धर्म ज्ञान के दर्शकों का फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी और हरि के नगर से यानी कि हरिद्वार से अल्फाबेटिकली प्रेडिक्शन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मयंक जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जिन लोगों का नाम सी अक्षर से शुरू होता है उनके लिए साल 2022 में क्या कुछ है। जी हाँ, साल 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और आपके नेचर के बारे में जानेंगे, आपने क्या गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ देखी जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात कि आपके लिए ये 2022 कैसा रहने वाला है ये सब हम जानेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कई बार आप लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं होती है, आपकी बर्थ टाइमिंग नहीं होती है तो ऐसे में आप कैसे अल्फाबेटिकली प्रिडिक्शन किस आधार पर की जाती है। मैं ये बताइए। बिल्कुल कविता जी, देखिए जैसे ए बी सी हम सीरीज लेके चल रहे हैं तो आज सी का नंबर है। सी नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है तीन, यानी कि तीन नंबर को रिप्रेजेंट करता है और तीन नंबर जो होता है वो बृहस्पति का होता है। वो तीन नंबर वाले जो होते हैं या हम कहें कि सी अक्षर वाले जो होते हैं, अगर आपका जन्म जो है सी अल्फाबेट से है तो आपके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है और बृहस्पति के प्रभाव होने के कारण ये व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, बड़े मिलनसार होते हैं। हम कहते हैं कि सी अक्षर वाले बड़े भावुक भी होते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो बड़ा ज़बरदस्त आता है। हालांकि जल्दी से इनको क्रोध आता नहीं है, अगर कोई इनको गुस्सा दिलवा दे तो फिर वो शांत होने में बड़ा समय लगता है। ये बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, जीवन में ऊंचाइयां छूते हैं, इनको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है, सभी सुखों की प्राप्ति जीवन में बहुत जल्दी हो जाती है और जीवन में उच्च पद की प्राप्ति भी करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। इतनी खासियत होते हुए भी इनको किन चीज़ों से बचना चाहिए, देखिए इनको क्या करना है कि आपको ये बड़ा रिजर्विंग नेचर के रहते हैं, बड़ा शांत रहते हैं, इस चीज़ से थोड़ा बचना चाहिए। और दोस्तों में उतने लोकप्रिय तो नहीं होते लेकिन समझदार बहुत होते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप अपना सामाजिक दायरा बढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई बार इमोशन ज़्यादा हो जाते हैं रिलेशनशिप में किसी भी चीज़ को लेके, वहाँ थोड़ा आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए, परिस्थिति को समझना चाहिए तो फिर आपको सफलता मिलती है। वरना हमने देखा है कई बार ये प्यार में धोखा खाकर नुकसान उठाते हैं और फिर अपने आप को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं, या कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट जो है इनके करियर पर भी दिखाई देता है। इस चीज़ से इस आदत को बदलना होगा आपको सी अक्षर वालों, तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। तो चलिए ये तो मैंने जैसे जान लिया कि भाई देखिए बाय नेचर आप किस स्वभाव के होते हैं और क्या आप में गुण और अवगुण देखे जाते हैं मुमन, लेकिन अब बारी आती है कि कौन सा करियर आप लोगों के लिए बेस्ट होता है। मैं जी क्या लगता है आपको? देखिए करियर की बात करें तो इनके लिए संगीत के क्षेत्र में अच्छा करते हैं और अच्छे शिक्षक होते हैं, IT इंजीनियर होते हैं और हम कहें कि धर्म गुरु ज्योतिष ज्ञान के क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमाते हैं क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है, IT इंजीनियर होते हैं। अगर बात करें बिजनेस की तो लकड़ी से संबंधित व्यवसाय इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इनको कहना चाहिए कि किताबों का काम करना चाहिए, बुक्स का काम, औषधियों का काम इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। मेडिकल लाइन भी इनके लिए बढ़िया है, अगर उसी से संबंधित कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी इनको सफलता मिल जाती है। राशन पानी का काम भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो ये प्रोफेशन इनके लिए बहुत बेस्ट रहते हैं। चलिए अब बारी आती है जानने की कि आखिरकार नववर्ष 2022 आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, मतलब कौन कौन सी नई सौगातें हैं जो इस साल आपको मिलने वाली है। मैं इनसे बताइए। देखिए 2022 आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आएगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे, हालांकि थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन कार्य आपके सभी पूर्ण होंगे। और 2022 में आपको सेहत की बात करें तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपको जनवरी, मार्च, नवंबर और दिसंबर के महीने में यानी साल की शुरुआत में और साल के अंत में अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ा मौका आपके हाथ से छूट सकता है। हो सकता है इस दौरान आपकी कोई परीक्षा हो, कोई बड़ा इंटरव्यू हो, कोई बड़ा काम हो, वो ना छूट जाए। तो जनवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। काम कारोबार के दृष्टिकोण से जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में आपको इन तीन महीने में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा पूरा वर्ष आपके लिए बढ़िया है, चाहे आपका बिजनेस हो,
चाहे नौकरी हो, बहुत अच्छी आपको रहेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। प्रेम प्रसंग के मामलों के लिए ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रेम प्रसंग में बड़ी सफलता मिलेगी, लव मैरिज होने की संभावनाएं भी हैं आपकी, यानी कि मनपसंद शादी होगी और संतान प्राप्ति के जो इच्छुक हैं उनके लिए भी ये समय खासकर मार्च के बाद से बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बात करें आपके आर्थिक पक्ष की, तो आर्थिक पक्ष भी आपका अप्रैल के बाद ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि अप्रैल के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, धन संचय होगा और सुख और समृद्धि की भी वृद्धि होगी। चलिए मैं जी, आपने ये तो बता दिया कि 2022 में लोगों के लिए क्या कुछ है और आपने इनका फाइनेंशियली स्टेटस भी बता दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नए साल में इनके लिए लकी डेज कौन कौन से होंगे और लकी कलर इनका क्या कहता है। देखिए, इनके लिए जो लकी दिन होते हैं कविता जी, वो शुक्रवार का दिन बहुत इनके लिए शुभ माना गया है, बृहस्पतिवार का दिन और मंगलवार का दिन जी। और लकी कलर इनके लिए पीला रंग, लाल रंग, सफेद रंग, क्रीम कलर, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू इनके लिए बहुत अच्छा कलर है। इसी के साथ इन लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस पूरे साल, इस वर्ष में आप क्या करें, अपॉर्चुनिटी जब हाथ में आए तो उसको ग्रैब कर लीजिए, वो मिस ना हो जाए, ये मुझे इस चीज़ की आशंका है। तो मौके पर चौका मारिए इस वर्ष में, ये ज़रूरत है। और थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जो मैंने आपको समय बताया था उस समय सेहत का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी पार्टनरशिप के कार्य से आपको बचना चाहिए, कोई नए व्यक्ति के साथ डील करते समय सोच समझ कर डील करें। चलिए, तो ये आज हमने हरिद्वार से मयंक शर्मा जी से जानने की कोशिश की कि अल्फाबेटिकली प्रेडिक्शन में जिन लोगों का नाम बेसिकली सी अक्षर से शुरू होता है उनके लिए 2022 क्या कुछ लेकर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।